अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और फ्रेंड्स, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इतनी धूप में बारिश हो रही है, और ये देखें कितनी मज़े की। फ्रेंड्स, आपको पता है ये मेरी वजह से पता भी हमारे साथ क्या हुआ? मैं और मेरी बहन ना टेरेस पे बैठे हुए थे, हम ना पजल खेल रहे थे, तो साथ ही मैंने कहा लजी बारिश और बर्फ गिरे, तो पीछे मुड़ी मैं 2 मिनट बाद तो धूप भी गई और बारिश शुरू हो गई। क्योंकि अल्लाह जी जो है ना वो बच्चों की जल्दी जल्दी से दुआ सुनते हैं ना, इसलिए ये देखें किस कदर खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी प्यारी धूप निकलती है और अल्लाह ताला जो है ना बेनियाज है, हर चीज़ पे उसकी कदर रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नया जिमल जा रही थी अपने बाबा के साथ अपनी कज़न्स को लेने के लिए, तो मैंने इनको रेडी कर दिया था। तो मैं मियाँ सब जा रहे थे, तो फिर इनको मैंने कहा आप लोग भी साथ चले जाओ दोनों। तो यहाँ पे जो है ना ये रेडी हो चुकी हैं, बस बाबा का वेट कर रही हैं। बाबा आएंगे तो ये बाबा के साथ दोनों जाएंगी अपने ताऊ की बेटियों को लेने के लिए, उन्होंने हमारे घर में रहना है कुछ डेज़। तो फ्रेंड्स, अनाया जिमल बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी थी कज़न्स के साथ, ये लेट नाइट क्रेविंग्स इनको हो रही थी, तो मैंने इनको पॉपकॉर्न बना कर दिए। तो बस इसी तरह के 2-3 डेज़ के मिक्स व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ जो है ना इंशाल्लाह ताला शेयर करने हैं। बस फिर रात हो चुकी थी और फिर मैंने बच्चों को लटा दिया। तो यहाँ पे अनाया हो रही हैं रेडी, वो पहन रही हैं ज्वेलरी। हमारा चल रहा है गेस्ट वीक हमारे घर, आजकल बस गेस्ट ही गेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई हुई हैं अनाया की ताऊ की बेटियाँ, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम माइक्रो टावर जा रहे हैं। फिर मेरी में से बताएं मैं कौन सा नेकलेस और कौन सा ब्रेसलेट पहनूं। चलें, आप फ्रेंड्स को जब तक कमेंट करेंगे तब तक तो हम चले जाएंगे। एक ये अनाया के पास एक्चुअली इतने यूनिकॉर्न्स हो गए कि अब समझ नहीं आ रही। और ये हाँ जी टाइप इन वाला, अब आप क्या डिसाइड करेंगी क्या पहनना है? आप लोग बताएं मैं कौन सा पहनूं। अभी हम लाइव तो नहीं जा रहे के लोग बताएं, अभी तो आप अपनी मर्जी से पहन लें। यूनिकॉर्न वाला। चले ठीक है, यहाँ पे अनाया हो गई है रेडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आईफल टावर के लिए निकल चुके थे, लेट ही निकले थे क्योंकि बस मौसम इतना गर्म था, इतना हब्स और बुरा हाल, कोई हवा नहीं चल रही थी। तो बस बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें चक्कर लगाना है, तो मैंने कहा चलो हाँ इनको ना आईफल टावर दिखा लाते हैं, साथ ज़रा घूमाते हैं। लेकिन बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। तो गर्मी, इतनी गर्मी से बुरा हाल और ऊपर से इतना अंधेरा। बहरिया टाउन में भी अब लाइट जाना शुरू हो गई है, इतना अंधेरा था, सिर्फ आईफल टावर की जो है ना लाइट्स चल रही थी, और बाकी आप देख सकते हैं वीडियोस में राइट लेफ़्ट कितना अंधेरा है। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर और कोई हवा नहीं थी। बच्चों को एक्चुअली अंधेरे में मज़ा ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने कहा चलो इंदर बहरिया में एक और भी पार्क है, हम वहाँ चले जाते। बस फिर हम लोग वहाँ चले गए। बहरिया टाउन में ना एक और पार्क था, मतलब छोटे छोटे से यहाँ पे पार्क्स बने हुए, यहाँ पे ना स्विंग्स लगी हुई थी। बस अनाया जिमल को स्विंग्स लेनी होती है, बस फिर हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अच्छी कुछ यहाँ नहीं, इस वक्त पे आके कुछ थोड़ी बहुत हवा चलना शुरू हो गई थी, तो ये एक बाग सा बना हुआ था। तो बस फिर हम लोग भी बैठ गए, और जो है ना यहाँ पर भी रोशनी इतनी कम थी कि बस मैं ऐसे कुछ व्यूज़ ले पाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पर अनाया जिमल और उनकी कज़न्स ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया था क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी, और जो है और अच्छा था, मौसम भी अच्छा हो गया था, इस वक्त कुछ हवा चलने लगी थी, तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया। फिर हमने घंटा डेढ़ घंटा यहाँ पर ही गुजार लिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे ना बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को खुद आइसक्रीम बना के देती हूँ। ये इस आइसक्रीम की रेसिपी मैंने आप लोगों से पहले भी एक व्लॉग में शेयर की हुई है, बल्कि खाली मैंने आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम का एक व्लॉग बनाया था, ये मैं वही बना रही हूँ। लेकिन इसमें जो चेंज है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसी तरह मैंने 1/2 किलो के करीब दूध लिया, दूध के अंदर मैंने कोको पाउडर जो है डाला, कॉर्नफ्लावर डाला और खुश्क दूध डाला और शुगर ऐड की। बस इस सब चीज़ों को ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना हिला लिया, ताकि जो इसकी जो गुठलियाँ कोको पाउडर की बनती हैं ना वो दूर हो जाएं। तो बस वो अभी फ़िलहाल मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, क्योंकि इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रख के पकाएंगे। जब ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लें, इसकी क्वांटिटी और जो जो चीज़ें मैंने जितनी डाली हैं वो मैंने पहले भी अपने चॉकलेट वाली आइसक्रीम के व्लॉग में डाला है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ, और डाल के मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से हिला लिया ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। और आपने भी केयर करनी, विस्क मेरे पास विस्क नहीं था, इस वजह से मैंने इसको स्पून की ही स्पैचुला की हेल्प से जो है ना हिला लिया, और जो बाकी रह जाएंगे लम्स वो पकाने में इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद मैंने इसको रख दिया स्टोव पर, और तकरीबन
मतलब तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा इसको लगते नहीं। मतलब ये आइसक्रीम इतनी मज़े की है कि इसमें आपकी इतना ज़्यादा गैस भी यूज़ नहीं होती, आपको इसको इतना पकाना नहीं पड़ता। आपने इसको तकरीबन 7 और 8 10 मिनट्स के अंदर इसको बस पका कर इसको ठंडा कर लेना, इसको फ्रिज में रख देना डाल के। और यहाँ पर जो है, मैं जब फ्रिज में रख चुकी थी और ये ठंडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने निकाली यहाँ पर विपी विप क्रीम। ये बहुत अच्छी क्रीम है। आगे मैंने आइसक्रीम बनाई थी टैट्रा पैक ओलपर से, लेकिन वो तो बीट होकर मज़े की लगती नहीं है, उसकी तो जो है ना वो बनती नहीं है ठीक, और आइसक्रीम का भी वो जायका नहीं आया। ये क्रीम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड ये क्रीम। और आप ये देख सकते हैं कि ये इतनी अच्छी बीट हो गई थी, फूल गई थी, कि जब मैंने इस बीटर को ऊपर किया तो क्रीम नीचे लगी भी नहीं थी। इसको मैंने 10 मिनट्स इतना अच्छा बीट करके इतना फ्लफ़ी सा कर लिया था कि ये जो ना स्टे कर गई थी। और फिर हमने इसके अंदर जो है ना उसको फोल्ड करना था, जो हमने अपनी आइसक्रीम जो है बना के रखी हुई थी। ये मैंने अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को ठंडा कर लिया था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। फ्रिज में रखने के बाद ये जो है ना रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा ठंडे में चली गई थी, क्योंकि गर्म गर्म में तो आप क्रीम डाल नहीं सकते। फिर इसके बाद मैं आपको इसको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ कि वो कैसे हमने किया। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी चॉकलेट जो है वो बीट हुई हुई क्रीम वाले बाउल में डाल दिया, और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से बीट करना है। इतना अच्छा बीट करना है कि जो चॉकलेट्स का जो हमने सारा मिक्सचर बनाया वो भी और क्रीम भी आपस में मिक्स हो जाए। बहुत मज़े का जो है ना इसका टेक्सचर आया था। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको कैसे मोल्ड्स में डाला। अच्छा बीट करने के बाद मैंने मेरे पास वो आइसक्रीम वाला बॉक्स था, मैंने उसमें डाल दिया, और 6 मैंने दूसरी आइसक्रीम स्टिक्स वाले में डाल कर जो है ना इसको रेफ्रिजरेट कर दिया। फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। नाजिमल, कैसी है आइसक्रीम? बहुत टेस्टी है। माजिब, आप बताओ आइसक्रीम आगे चलो। माजिब, कैसी है? सही बताओ। तो फ्रेंड्स, नाजिमल को भी पसंद आ गई है और गेस्ट को भी आइसक्रीम पसंद आ गई है। अनाया, आप कहाँ जा रही हो? क्या करने? अपनी फ्रेंड्स को छोड़ने? इधर तो मुँह करो, खड़ी होके अपनी पोनी दिखाओ, इधर आओ, इस तरफ। तो उदास तो नहीं हो जाओगी? नहीं। अब नहीं मिस नहीं करोगी ऐसा का? चल देखा ये कितनी बदी लड़की है। निम्मल, आप कहाँ जा रही हो? क्या करने? अपनी फ्रेंड्स को छोड़ने? मिस करोगी कितना? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँच गए थे बच्चों के तायाबू के घर। तो बस वहाँ पे जाके हमने खाना छाना खाया, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गई थी। और बस फिर हम लोग खाना छाना खा के बच्चों को छोड़कर जो है ना घर आ गए। बस यही मेरे 4-5 डेज़ के मिक्स कुछ क्लिप्स थे, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँगा। इसकी वजह से बस एडिट करने का टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह ताला कल रूटीन से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।